मेरा पुत्र शेरवर का मार गया। दुकान ते आके काम करता रहा है, मुड़ उस तो बाद च नहीं मैनू पता भी की होया। रात असं ये ठीक करते रहे, रात सानू इहदा फोन बंद ही गया। इहनू मारकुट कीता गई आ, इहदे हाल करंट लाए गए आ, ये रस्सियां पा पा के खिच खिच मारिया इहनू, नलां दे उत्ते भी करंट लाए इहनां दे। वड्डी मेरी बेटी आ हैंडीकैप्ट, दोवां लत्तां तों बेचारी घर इहदे सिर ते कम चलदा। बटाला के नज़दीक जलंधर बाईपास के खाली पलाटा के विचों एक 28 साल नौजवान की शक्की हालातों के विच लाश मिलने का मामला सामने आया है। दसिया जाता है कि इस तो बाद इलाके के विच दहशत का माहौल देखने को मिला है। जानकारी मुताबिक पिंड फुलके का रहने वाला है यह नौजवान, जो दो दिन तो घरों लापता सी। परिवार का कहना है कि उन्होंने पुत्र नू तसीहे देके मौत दे घाट उतारिया गया है। मृतक नौजवान अलूमीनियम का काम करता सी अते शनिवार की रात नू काम दा कह के घरों बाहर निकलिया सी। जदों अगली सवेर तक घर वापस नहीं आया तो पुलिस नू इस संबंधी परिवार ने सूचना दी। यह भी दसिया जाता है कि लाश बरामद होने तो बाद बड़ी तरसयोग हालत दे विच सी। लाश दे उत्ते जख्मां अते बिजली दे करंटां दे निशान सन, जिस तों बाद गले दे विच रस्सी दे भी निशान मिले ते परिवार ने पुलिस नू बयान दिते। परिवार दे बयानां दे आधार ते लाश दा पोस्टमार्टम करवाया गया है। इस पूरे मामले दी जानकारी दिंदा होया मृतक नौजवान दे पिता अते चाचे दा की कहना है तुहानू सुनाउने आ। घटना इह घरों राजी बाजी आया, कोई गलबात नहीं आ। दुकान ते बैठे आ, दुकान तों मैनू कहिंदा डैडी 4 वजे भई मैनू कहिंदा तैनू मैं घर छड आउणा डैडी। मैनू घर छड के ते वापस दुकान ते आ गया। दुकान ते आण के काम करदा रहा आ, मुड़ उस तों बाद च नहीं मैनू पता भी की होया। रात असं ये ठीक करते रहे, रात सानू इहदा फोन बंद ही गया। मेरे बच्चे दे बहुत बीमारी हालत की गई आ, इहनू मारकुट कीता गई आ, इहदे हाल करंट लाए गए आ, इहदे गल दे विच रस्सियां पा पा के असीं हुण हालत जा जाण के वेखीए वी इहदियां रस्सियां पा पा के खिच खिच मारिया इहनू, नलां दे उत्ते वी करंट लाए इहनां दे, इहनां दे कछां दे विच करंट लाए आ, सिर दे विच टप मारे आ। मैनू भाअ जी इस चीज़ का इंसाफ चाहिए आ। मेरा पुत्र शेर वर्गा मार गया, मैनू इस चीज़ का इंसाफ दिओ जी महाराज, मैनू इंसाफ दिता जाए महाराज। मेरे बेटे ना बेअदबी हो गई है, एक दवानी का नहीं नशा करता, एक दवानी का भी नशा करता होगा कोई कह दूंगा तो मैं ना अपना देनदार इस चीज़ का। मैं तो भाजी यो कहना चाहना, मेरा ब्रदर है जी, शनिवार रात को अभी लभदे रहे घर नहीं आया, वो शुक्रवार ऐतवार का दिन ही अभी पहला सारा बटाला वेख्या, सानू नहीं मिलया। फिर शाम का टाइम अभी रंगा नगर थाने दरखास्त दी, दरखास्त दे के फिर लभण आए हैं। सानू बाईपास तो थोड़ा पता लगा जी, दर्शन दास के लागे ना उन्होंने कि बंदा कोई लाश मार के सुट गया, कोई ठा चौंकी अर्बन स्टेट वो लै गए इस वजह सानू पता लगा जी। सानू फोटो आई तो पता लगा जी साडा बंदा अभी जकदम इतने आए हैं, तो इतने आके वेख्या कि जी साडा ही भरा छोटा उन्होंने मुंडिया ने मार के दातर मारे सिर पर और बत्ती दे झटके दिते आ, तो आ सारा शरीर साड़ता उन्होंने, तो पिछे ना रस्से ना गल घुट के रस्से के पिछले फड़ के उन्होंने मार के तो उन्होंने सुट गए उत्थे झंगियां च। हुण सर ये बारे पता नहीं की गलबात आ, क्योंकि कोई कि ना कोई लाग नहीं, कोई दाट नहीं हैगी, ना कोई नशा पत्ता करता है उन्होंने उत्ते सद्या उन्हों की। परिवारक मैंबरां ने तो कतल का शक जता दिता, पर पुलिस का इस मामले संबंधी की कहना है ये भी सुनो। खाली प्लाटा के लागे ना सड़क के कंढे तो जिहड़ी एक अनआइडेंटिफाई जिहड़ी बाडी सी वह मिली सी, ते जिस दी शाम नूं काफ़ी देर रात मुड़ के शनाख्त हुई। इहदा नाम सी गुरप्रीत पुत्र चन्नण, ये वासी फुलके खुरद जो बाजीगर बरादरी के नाल संबंध रखता, नौजवान मुंडा अनमैरिड है जी। तो उहदे वारस जिहड़े सवेरे फिर साडे कोल आए ने, उहनां दी स्टेटमेंट दे मुताबिक उह कहिंदे वी सानूं इहदी मौत दा जे कोई पता नहीं, वी किस तरह होई ये तो जाणू करवाया जाए पोस्टमार्टम इहदा करवा के। उन्हां दी स्टेटमेंट दे आधार दे उत्ते उन्हां दे पिता दी ते जिहड़ा पोस्टमार्टम करवाउण लगे आ, जिहड़ी भी कारवाई अगे आवे सिचुएशन जिहड़ी सामने आउंदी है उहदे आधार दे उत्ते जिहड़ी कारवाई, क्योंकि ये आफ्टर मैडिकल रिपोर्ट दे आधार ते ही नाले जिहड़े सही तत्थ सामने आउणगे। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸੋਹਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।